हाँ जी, शुरू करते हैं क्लास। सो कॉपी पेन ले लीजिए, अगर कुछ लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, सो देखिए, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ डिटेल में कॉर्ड्स के ऊपर कि कॉर्ड्स आप कैसे बना सकते हैं। तो आज मैं आपको टोटल दो तीन थाट के ना कॉर्ड्स बनाने सिखाऊंगा। सो उस प्रोसेस को यूज करके आप कोई भी थाट के जो कॉर्ड्स हैं वो बना पाएंगे। ठीक है जी, क्योंकि आगे चल के जो आपको मैंने जो कॉर्ड सिखाए थे, सिंपल सिखाए थे कि मेजर कॉर्ड्स कैसे बजते हैं, माइनर कॉर्ड्स कैसे बजते हैं, लेकिन मैंने आपको रागों के या फिर थाटों के कॉर्ड बनाने नहीं सिखाए थे। सो आज वो चीज़ सीखेंगे। सो बेसिकली सिंपल सा तरीका है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ कॉर्ड, पहले राग बिलावल के स्वर लिख रहा हूँ। मैंने क्या किया, राग बिलावल के स्वर लिख दिए। तो जैसे कि आपको पता है कि राग बिलावल में सारे स्वर शुद्ध होते हैं, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नीचे मंद्र सप्ता का नी भी ले लूँगा, मंद्र सप्ता का धा भी ले लूँगा और पा भी ले लूँगा, यानी कि तीन स्वर मैं मंद्र सप्तक के ले लूँगा। और ऊपर मैं रे ले लूँगा, एक एक गा ले लूँगा और एक मा ले लूँगा और एक पा ले लूँगा। ठीक है जी, यानी कि मंद्र सप्तक के पा तक गया और तार सप्तक के पा तक मैं गया। ठीक है, यानी कि इसमें मंद्र सप्तक के स्वर भी आ गए, मध्य के भी आ गए और तार के भी आ गए। सो ये है आपका थाट बिलावल के कॉर्ड्स, या फिर आप राग बिलावल बोल सकते हैं। ठीक है जी, अभी इसमें सात शुद्ध स्वर लगते हैं तो वो मैंने लिख रखे हैं। तो अभी देखिए कॉर्ड कितने बनेंगे, एक तो सा का कॉर्ड बनेगा हमारा, एक उसके बाद हमारा शुद्ध रे का कॉर्ड बनेगा, शुद्ध गा का कॉर्ड बनेगा, शुद्ध मा का कॉर्ड बनेगा, फिर पा का कॉर्ड बनेगा, उसके बाद धा का कॉर्ड बनेगा, नी का बनेगा और तार सप्तक के सा का कॉर्ड बनेगा। टोटल हमें आठ कॉर्ड निकालने हैं। ठीक है जी, चलिए सबसे पहली चीज क्या है, हम यहां पे क्या करेंगे, जैसे मैंने सा लिख लिया, उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक स्वर छोड़ दूंगा, यानी कि सा के बाद क्या आ रहा है, रे आ रहा है ना, इसको छोड़ दूंगा, अगला स्वर लूंगा यानी कि गा लूंगा, फिर गा के बाद एक स्वर छोड़ दूंगा यानी कि पा ले लूंगा। बेसिकली इसमें फॉर्मूला पता क्या यूज करें, हम यूज करेंगे 1 3 5, यानी कि पूरे कॉर्ड निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे 1 3 5। ठीक है जी, पूरे राग के कॉर्ड निकालने के लिए हम एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे 1 3 5। ठीक है जी, सो सबसे पहले मैंने पहला कॉर्ड कैसे निकाला, मैंने सा से शुरू, क्योंकि मैं सा का कॉर्ड निकाला, तो सा मेरा 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, 5 हुआ, तो उसमें मेरे को कौन सा पकड़ना है, एक नंबर पकड़ना है, 3 नंबर पकड़ना है और 5 नंबर पकड़ना है। हो गया जी, पहला कॉर्ड निकल गया। उसके बाद अगला कॉर्ड निकालना है हमें रे का, तो अभी अपना काउंटिंग रे से शुरू होगा, अभी रे 1 होगा, तो 1 2 3 4 5, यानी कि एक तो हमें रे पकड़ ले, 3 पे हमारा क्या है माँ है और 5 पे क्या है धा, तो ये बन गया हमारा रे स्वर का कोड। सेम एज इट इज गा का कोड निकालेंगे, तो ये गा 1 नंबर हो गया, अब ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, तो क्या बन गया, गपनी। ठीक है जी, सेम एज इट इज माँ का कोड निकालें, तो 1 नंबर हो गया, 3 हो गया, ये 5 हो गया, तो बन गया मा धा सा। सेम एज इट इज पा का कोड निकालेंगे तो बनेगा पा नी रे। सेम एज इट इज धा का कोड निकालेंगे तो बनेगा धा सा गा। नी का कोड निकालेंगे तो बनेगा नी रे म, और सा का कोड बन जाएगा सा गा। सो भाई साहब, आपके ये हो गए राग बिलावल के कोड, कुछ नहीं मैंने किया, 1 3 5 8 से सारे कोड मैंने निकाल दिए। ठीक है जी, ये हो गए आपके कोड। नॉर्मली ये कॉर्ड गानों में लगेंगे, ये आपके मतलब कि राग बिलावल या थाट बिलावल के कॉर्ड हो गए। अभी मैं आपको नेक्स्ट चीज बताता हूँ। देखो कुछ गानों में ये आपके कॉर्ड जो, जैसे ना गानों में कॉर्ड कैसे यूज होते हैं, जैसे कोई गाने की लाइन सा के ऊपर रुकी तो आप सा का कॉर्ड लगा दोगे, कोई गाने की लाइन गा के ऊपर रुकी तो गा का कॉर्ड लगा दोगे, माँ के ऊपर रुकी तो माँ का लगा दोगे, पा के ऊपर लाइन खत्म हो रही तो पा का लगा, धा के ऊपर रुकी तो धा का। हमेशा उसी स्वर का कॉर्ड लगता है जहाँ पे गाने की लाइन आके रुकती है। मान के चले मैं यहाँ पे गाना बजा रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे कि मैंने गाना बजाया एक प्यार का नगमा, देखिए तो यहाँ पे लाइन गा गा के ऊपर रुकने तो गा का कोड लग जाएगा, माँ के ऊपर रुकी तो माँ का कोड लग जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज और है,
कई दफा कहना ये आपके डायरेक्ट कोड लगेंगे, कुछ राग ऐसे होते हैं, कुछ सॉरी कुछ भजन या कुछ गीत ऐसे होते हैं उनमें ये डायरेक्ट कोड लग जाएंगे, लेकिन कुछ गाने ऐसे उनमें डायरेक्ट कोड नहीं लगते। जैसे कि अगर अपन ये बजा रहे थे ना, प्यार करना घुमाया, देखिए तो ये लाइन कहाँ पे रुक रही, गा के ऊपर रुक रही। तो यहाँ पे गा का कोड क्या है, गापा नहीं है, है ना। गाने की लाइन गा के ऊपर रुक रही तो कोड है गापा नहीं। तो अभी मैं आपको गापा नहीं कोड लगा के दिखाता हूँ, देखिए तो ये कोड गलत हो गया, ये गाने में फिट नहीं बैठ रहा। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो आपने जो कोड निकाला है राग का वो बैठ नहीं रहा, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे हम, हमें जैसे कि लाइन रुकी गा के ऊपर, तो गा का कोड क्या है, गापा नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, और ऐसे कौन से कोड हैं जो हमने लिखे जिसमें गा यूज हो रहा है। एक तो है अपना सागापा, ठीक है जी। दूसरा और कोड कौन सा कोड है, एक है अपना धा सा गा। टोटल तीन ऐसे कोड हैं जिनमें गा का यूज हो रहा है। अभी हमने ये लगा के देखा गापा नहीं, तो ये कोड नहीं लगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये वाला चेक करेंगे। अभी ये लगा के देखते हैं, देखिए क्या लगता है कि नहीं लगता। कई दफा आपको ऐसे काम करना पड़ेगा, लेकिन कई दफा आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका कोड डायरेक्टली लगेगा। अभी देखिए यहाँ पे जब गाने की लाइन गा के ऊपर रुकती है, यहाँ पे हम जो कोड यूज करेंगे डेट विल बी सागापा। इस गाने के अंदर जब भी गाने की, जब भी इस, जैसे मैं एक प्यार का नगमा गाना बजा रहा हूँ, इस गाने में जब भी गा के ऊपर कोई भी लाइन रुकेगी तो मैं वहाँ पे सागापा कोड यूज करूँगा, वही फिट बैठेगी, ठीक है। अभी अगला देखिए, ये हो गया क्लियर। उसके बाद आगे चलते हैं, मौजों की रवानी है। गा के ऊपर का सागापा लग गया, उसके बाद जिंदगी और। अभी देखिए नी के ऊपर का, तो नी का कोड क्या, नीरे माया, तो ये भी नहीं बैठ रहा। इस केस में अभी क्या करेंगे हम, इस केस में हम क्या करेंगे, नी का पहला कोड तो नीरे मा है, सिंपल। दूसरा और कौन सा कोड है जिसमें नी यूज हो रहा है, ठीक है, आप वो कोड यूज करेंगे सेम एज इट इज। आपको ऐसे निकालना, कई दफा तो मैंने एक बार एक चीज कही कि ना, कई दफा तो आपका ये डायरेक्ट कोड लगेगी, कुछ केसेस में आपके डायरेक्ट कोड नहीं लगेंगे, तो उस सिचुएशन में आप ऐसे कोड बनाएंगे, ठीक है जी। तो कोड बनाना इजी है, कुछ नहीं है, लेकिन ये 100 में आपको एक दो गाने ऐसे मिलेंगे जिनमें आपको अलग हट के कोड लगाने पड़ेंगे, लेकिन 99 गाने आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें यही डायरेक्ट कोड लगेंगे। ओके, क्लियर है। और दूसरी चीज़ क्या है कि आप इनके इन्वर्जन कोड भी बनाना सीख लीजिए। जैसे इन्वर्जन कोड बनाएंगे तो क्या करेंगे, पहले मैंने गा पकड़ लिया, फिर बाद में पा लिख दिया और फिर सा लिख दिया, यानी कि मैंने बीच वाला स्वर पकड़ा पहले, उसके बाद फिर पा लिख दिया और सा लिख दिया, ये बन गया गापा सा, ये इन्वर्जन कोड बन गया। इसका अगर और एक इन्वर्जन कोड निकले तो क्या करेंगे, पा को लिख देंगे पा सा गा, ये भी एक इन्वर्जन कोड बन गया। सेम नॉर्मल कोड भी आपको आना चाहिए, इन्वर्जन कोड भी आना चाहिए, ठीक है जी। अभी चलते हैं किसी और राग के ऊपर या फिर किसी और थाट के ऊपर। अभी मैं यहां पे ले रहा हूं आपका थाट आसावरी या फिर राग आसावरी बोल लीजिए। अभी राग आसावरी में आपके स्वर लगते हैं सा रे शुद्ध, गा कोमल, मा पा, धा कोमल, नी कोमल और आपका ता सप्तक का सा। सेम इस केस में भी क्या करूंगा, मैं मंद्र सप्तक का नी भी लिख लूंगा, मंद्र सप्तक का धा भी लिख लूंगा और मंद्र सप्तक का पा भी लिख लूंगा। सेम एज इट इज ऊपर की साइड तार सप्तक का रे, तार सप्तक का कोमल गा, तार सप्तक का शुद्ध मा, तार सप्तक का पा। यहां पे भी हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे 1 3 5 ही यूज करेंगे। ओके जी, अभी देखते हैं कौन से स्वर का कोड बनेगा। एक तो सा का बनेगा, एक रे का बनेगा, एक गा कोमल का कोड बनेगा, एक आपका मा का कोड बनेगा, एक पा का बनेगा, एक धा कोमल का कोड बनेगा, एक नी कोमल का कोड बनेगा, एक बनेगा ता सप्तक का। टोटल आपके 8 कोड बनेंगे। सेम ये आपका सा है, ये हो गया, देन 2 3 4 5 यानी कि पहला कोड बन गया सागापा 1 3 5 के हिसाब से। दूसरा कोड क्या बनेगा, रे मा धा बन जाएगा। तीसरा बन जाएगा गापनी, गा पा नी कोमल। चौथा बनेगा मा धा सा बन जाएगा, ठीक है। पांचवा बनेगा पा नी रे बन जाएगा, पा नी रे। उसके बाद धा कोड बनेगा धा सा गा, नी का बनेगा नीरे मा बन जाएगा,
और सा का सा का बन जाएगा। इस तरीके से आपका भैरवी राग आसावरी के कॉर्ड बनेंगे, सिंपल। ठीक है, इसमें भी डायरेक्ट कॉर्ड तो लगेंगे लगेंगे, अगर डायरेक्ट नहीं लग रहे तो आपका वही आपको वो कॉर्ड देख लेना, जैसे अगर आपका गाने की लाइन गा के ऊपर रुकी तो अगर ये गा का डायरेक्ट कॉर्ड नहीं लिख रहा तो आपको वो कॉर्ड देखने जिसमें गा यूज़ हो रहा है, जैसे कि इसमें गा यूज़ हो रहा है, एक इसमें यूज़ हो रहा है और एक इसमें यूज़ हो रहा है। ठीक है, इन तीनों में से एक कॉर्ड लगेगा। सेम है, जैसे मान चलिए रे का कॉर्ड ये है, रे माधा, अगर रे का डायरेक्ट कॉर्ड नहीं लग रहा तो आप क्या करेंगे, वो कॉर्ड ढूंढेंगे जिसमें रे यूज़ हो रहा है, तो एक इसमें रे यूज़ हो रहा है और एक इसमें यूज़ हो रहा है, तो इन तीनों में से एक कॉर्ड लग जाएगा, सिंपल। लगेगा इन आठ कॉर्ड में से ही कॉर्ड लगेगा, कोई बाहर से हम कॉर्ड नहीं लगाए। ठीक है जी, सिंपल। अभी एक और थाट देख लीजिए, मैं आपको तीन चार थाट का बना के दिखा देता हूँ और मैं आपके इनके कुछ गाने भी आपको मैं बजा के दिखा देता हूँ कॉर्ड्स के साथ, और बाद में बाकी के जो बचे थाट है उनके कॉर्ड आप खुद निकाल लेंगे। अभी देखते हैं थाट भैरवी, थाट भैरवी के स्वर है सा रे कोमल गा कोमल मा पा फिर धा कोमल नी कोमल और आपका ता सप्तक का सा। फिर नीचे की साइड जाएंगे तो नी कोमल आ जाएगा, धा कोमल आ जाएगा, पा आ जाएगा, और ऊपर की साइड जाएंगे कोमल रे आ जाएगा, कोमल गा आ जाएगा, मा आ जाएगा और फिर पा आ जाएगा। सिंपली यहाँ पे भी एक तीन पाँच के हिसाब से कॉर्ड बनेंगे, जो भी बनेंगे। पहले सा का देखते हैं तो बनेगा सा गा पा, कोमल रे का कॉर्ड बनाएंगे तो बनेगा रे मा धा, कोमल गा का कोड बनाएंगे तो बनेगा गा पानी, और शुद्ध मा का कोड बनाएंगे तो मा धा सा बन जाएगा, पा का कोड बनाएंगे तो पा नीरे बन जाएगा, उसके बाद धा कोमल का कोड बनाएंगे तो बन जाएगा धा सा गा बन जाएगा, नी कोमल का कोड बनाएंगे तो नीरे मा बन जाएगा, और सा का सगा पा बन जाएगा। तो ये हो गए आपके राग भैरवी के कॉर्ड्स, प्रोसेस सेम ही है लेकिन आपको ये कॉर्ड बजाने सीखने पड़े। अभी देखिए डिफरेंस देखिए, जब मैं थाट आसावरी में निकाला रे का कॉर्ड तो देखिए इसमें क्या हुआ, खाली रे ही चेंज हो, क्योंकि इस राग में रे कॉमन रख रहा है लेकिन कॉर्ड सेम ही है, लेकिन यहाँ पे शुद्ध रे के हिसाब से, क्योंकि इस राग में शुद्ध रे यूज हो रहा है, इसमें कॉमन यूज हो रहा है, तो कॉमन रे के हिसाब से कॉर्ड बन गया। ठीक है, हल्का फुल्का ही फर्क है, बाकी देखो इसमें गा का कॉर्ड सेम है क्योंकि दोनों में ही गा कोमल है तो सेम है। अभी सा का कॉर्ड भी देखिए दोनों में सेम है, माँ का कॉर्ड भी देख लीजिए दोनों में सेम है। ठीक है, पानी रे, क्योंकि इसमें रे कोमल लग रहा है तो इसलिए पानी रे कॉर्ड यूज हो गया। ठीक है, सेम, बाकी धा का कॉर्ड भी सेम है इसमें, और क्योंकि एक ही स्वर बदला है तो उसमें आपका उसी के हिसाब से जो जो लगेंगे वो चेंज हो जाएंगे। ओके जी, अभी मैं आपको इनके ऊपर कुछ गाने बजा के दिखाता हूँ और देखते हैं कि कैसे ये कॉर्ड्स आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, खुद लगा सकते हैं, बहुत इजी है। अभी मैं यहाँ पे गाना लेने जा रहा हूँ, थाट आसावरी से मैं गाना लेने जा रहा हूँ, या फिर राग दरबारी आप इसको बोल लीजिए, इसमें मैं गाना बजाने जा रहा हूँ लिखे जो खत तुझे। अभी देखेंगे इसमें कॉर्ड्स कैसे यूज करेंगे। ये गाना प्योरली थाट आसावरी के अंदर आता है, यानी कि सा रे शुद्ध गा कोमल मा पा धा कोमल नी कोमल ता सप्तक सा। अभी ये कॉर्ड्स कैसे इसमें लगाएंगे, हमें खुद से कॉर्ड बनाने तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए मैं कर रहा हूँ, पहले गाना बजा रहा हूँ तो गाने की लाइन कहाँ पे रुकी, सा के ऊपर रुकी। तो अभी देखिए मैं एक हाथ पे आपके सामने यहाँ पे आसावरी के कॉर्ड लगा देता हूँ ताकि आपको एकदम समझ में आए कि कैसे बजाने, कैसे लगाने कॉर्ड। ठीक है, मैंने एक हाथ पे यहाँ पे कॉर्ड लिख दी। अब देखिए मैं गाना बजा रहा हूँ लिखे जो खत तुझे, देखिए तो सा के ऊपर का, तो सा का कॉर्ड क्या है, सागा पा लगा, ये लग जाएगा डायरेक्ट कॉर्ड। उसके बाद अगली ना वो तेरी याद, सा के ऊपर का सा कॉर्ड लग जाए, उसके बाद हजारों रंगे। अभी देखिए धा के ऊपर रुका है तो धा का कॉर्ड क्या है, धा सगा, डायरेक्ट कॉर्ड लग गया ना। मतलब कि कुछ गानों में आपके डायरेक्ट ही कॉर्ड लगेंगे, मतलब कि माथा पच्ची करनी नहीं है आपको, लेकिन कुछ गाने आपको एक दो गाने ऐसे मिलेंगे जिनमें डायरेक्ट कॉर्ड नहीं लगे। अभी देखिए ये एक ऐसा गाना जिसमें डायरेक्ट कॉर्ड लग रहे हैं, देखिए अभी माँ के ऊपर क्या, तो माँ का कॉर्ड क्या है, मादा सा, तो मादा सा लग जाएगा, सिंपल। उसके बाद बस
ये एक ऐसा गाना था जिसमें डायरेक्ट कॉर्ड लग रहे, कोई स्वर हमें चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। चेंज हमें तब करना पड़ेगा जब वो स्वर हमारा कॉर्ड, वो जो कॉर्ड हमने जो डायरेक्ट कॉर्ड है वो फिट नहीं बैठा, तब जाके अपन चेंज करेंगे। अनलेस एंड अनटिल हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली ये कॉर्ड्स पे बजा सकते हैं। ऐसे ही एक और गाना देखते हैं, गाना है आपका मेरे महबूब कयामत होगी, ये भी आशा भरी है। अभी देखिए यहाँ पे कॉर्ड है, गाने की लाइन रुकी रे के ऊपर, तो यहाँ पे रे का कॉर्ड क्या है, आशा भरी का रे मधा है, तो देखिए रे मधा लगेगा डायरेक्ट। तो अभी हम क्या करेंगे, हम वो कॉर्ड देखेंगे जिसमें रे यूज हो रहा हो, एक तो पानी रे में यूज हो रहा और एक आपका नीरे मा में यूज हो रहा है, दो कॉर्ड बचेंगे। पहला तो हमारा रे मा था, डायरेक्ट कॉर्ड लगा नहीं, अभी हमारे पास दो ऑप्शन बची जिसमें रे यूज हो रहा है, एक पानी रे और एक नीरे मा। तो देखते क्या करते हैं, पहले हम पानी रे लगा के देखते हैं। तो ये भी नहीं बैठा, अभी क्या करेंगे, नीरे मा यूज करेंगे। ये कॉर्ड फिट बैठ गया। ऐसे गाने में आपको एक दो गाने ऐसे मिलेंगे जिनमें डायरेक्ट कॉर्ड काम नहीं करेंगे, तो उस सिचुएशन में आप ऐसे काम करेंगे। कुछ मुश्किल नहीं है, बात सिर्फ है हाथ को बिठाने की। एक बार आपने सारे कॉर्ड बनाने आ गए, फिर आपको हाथ बैठ गया, लगाना बहुत ईजी है। लगाना तो सिंपल, जिस स्वर के ऊपर होगा, अगर रे के ऊपर होगा तो रे का कॉर्ड, गा के ऊपर होगा तो गा कॉर्ड लग जाएगा। लेकिन पहले कॉर्ड आपको बनाने आने चाहिए, फिर उसके अकॉर्डिंग आपका हाथ चलना चाहिए, फिर आपको लगाना आएगा, ठीक है जी। तो यही कुछ आज की क्लास में है। टोटल मैंने 3 थाटों के कॉर्ड आपको बना के दिखाए। अभी आपका काम क्या है कि आप बाकी के जो 7 थाट हैं उनके कॉर्ड्स आप खुद फाइंड करोगे, ठीक है जी।